गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी पे। इंटरनेशनल के बारे में हमने पढ़ लिया, काफी चीजें हमने पढ़ ली, इकोनॉमी किस किस टाइप की होती है वो हमने पढ़ लिया। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेके इंडियन इकोनॉमी को लेके। सबसे पहले कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है दैट इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी। ओके, ये एक पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज, ये एक्चुअली स्टैटिक जीके का पार्ट है, दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज कि हमारी जो ये इकोनॉमी है ये पीपीपी, अभी मैंने जो बात की वो की आपके साथ नॉमिनल जीडीपी की, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। किस रैंक पे है? दैट इज थर्ड लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दी आईएमएफ मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दी आईएमएफ ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस मींस टू से कि प्रति पर्सन की जो आय है उसके हिसाब से, ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दैट इज 139th और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 118, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो याद रखने का है दैट इज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रैंक ऑफ इंडिया नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 139th इन द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 118th इन दी वर्ल्ड। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले। सबसे पहला, वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दी नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू दी परचेजिंग पावर पैरिटी इट इज दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। हाँ, अगर मैं रैंक की बात करूं आईएमएफ के अकॉर्डिंग देन नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 139th रैंक है इंडिया का और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 118th रैंक है इंडिया का, ठीक है। अब मैं आता हूं अपने आज के टॉपिक पे। मेरा जो टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब हमें समझना है कि हमारी इकोनॉमी की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियां क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले फीचर की बात करता हूं तो हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि हम अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, हम पूरी तरह से विकासशील नहीं है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में कहूं
तो विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि हम किस में आ रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके, तो हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये पहला पॉइंट है याद रखने के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, रीजन क्या है आने का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में? ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, लो है, यानी कि निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहे हैं। ठीक है, और इस का हमें कैसे पता लगा कि हम लो पावर पर कैपिटल इनकम है? ठीक है, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगा कि हमारी जो निम्न जो सॉरी प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है, कम है? ठीक है, तो ये हमें पता लगा जब हमने कंपैरिजन किया अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं उन कंट्रीज की बात नहीं करूंगा जो ऑलरेडी हमसे नीचे हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा उन कंट्रीज की जो कंट्रीज हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे मैं चाइना की बात करूं, जैसे मैं यूएसए की बात करूं, ना कि मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात करूं। ठीक है, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय की बात करूंगा मैं, कि उनके कंपैरिजन में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी लो है। तो कैसे पता लगा, विद कंपैरिजन, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए, यानी कि जो डेवलप्ड है उनके कंपैरिजन में। क्लियर, तो ये मैं आपके साथ पहला पॉइंट बताया कि हम किस में आते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। क्यों आते हैं? ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम। और हमें कैसे पता लगता है कि हमारी प्रति पर्सन की जो आय है वो लो है, यानी कि निम्न है, किस कारण से है? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कंपैरिजन करके देखते हैं तो वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कम निकलती है। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण जिसके कारण हम डेवलपिंग इकोनॉमी में ही स्टैंड करते हैं, दूसरा बड़ा कारण जिससे हम डेवलपिंग इकोनॉमी में ही हैं, अभी अंडर डेवलपिंग उसमें ही हैं, वो है स्केयरसिटी ऑफ द कैपिटल। स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल, तो स्केयरसिटी ऑफ द कैपिटल मेरा बोलने का अर्थ है यानी कि पूंजी का अभाव, पैसे का अभाव, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेस की कमी है, वी हैव रिसोर्सेस। ठीक है, लेकिन हमारे पास कैपिटल कम है, इसलिए हम अभी डेवलपिंग इकोनॉमी हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये सिर्फ एक मेयर एग्जाम्पल है। ठीक है, सुपोज मेरे पास यहां पर लकड़ी पड़ी है, मेरे पास सीमेंट है, मेरे पास रेत है, मेरे पास बजरी है, आई हैव ब्रिक्स, मेरे पास हर चीज है जो एक मकान बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया जो मैंने आपको बोला, मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास रेता है, मेरे पास बजरी है, मेरे पास ईंटे हैं, ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन मकान खड़ा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड कैपिटल, आई नीड पैसा, क्योंकि मैं किसी को बोलूंगा कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मेरा सामान है, तुम लो और इससे एक मकान खड़ा करो। ठीक है, बट आई डजंट हैव द कैपिटल, तो कैपिटल ना होने के कारण मेरा क्या रह जाता है, वो रिसोर्सेज मेरे स्टैंड बाय रह जाते हैं, वो वैसे ही रह जाते हैं, और मैं एक स्ट्रक्चर, एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाता हूं। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ स्केर्सिटी ऑफ द कैपिटल, यानी कि पूंजी का अभाव, यानी कि इंडिया में रिसोर्सेज काफी हैं लेकिन हमारे
हमारे पास कैपिटल नहीं है, उस कारण से हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ही आते हैं। अब इस कारण से हो क्या रहा है स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल से? स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल से हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं लेकिन उनमें अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे पास सामान है, उस सामान से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मशीनरीज हैं वो टेक्निकली इतनी साउंड और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अदर इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो उस कारण से वो क्या रहा है एक्चुअल में, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, लेस प्रोडक्शन। तो कम प्रोडक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, मार्केट में भी हम कम दे पा रहे हैं, इसी कारण से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। एम्प्लॉयमेंट भी लेस है, तो एक कारण ये भी है स्केयरसिटी ऑफ द कैपिटल कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में फेल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में क्यों फेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी पूंजी ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है, उस कारण से हम प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं। उसी कारण से क्या हो रहा है, लेस एम्प्लॉयमेंट, एंड लेस एम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, इट लीड्स टू पॉवर्टी, इट लीड्स टू पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सारे कारण हो गए, तो इसमें स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल के कारण हमारे पास क्या आ गए, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, लेस। एक और पॉइंट आता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, यानी कि क्या आ रही है, पॉवर्टी ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा कारण और है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी होने के लिए, दैट इज इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। व्हाट आर दीज इनइक्वालिटीज, असमानताएं, इनइक्वालिटीज को मैं हिंदी में कहूंगा असमानताएं। तो ये असमानताएं क्या है, अकॉर्डिंग टू किसी एक जनरल ने एक रिपोर्ट पेश की थी, फॉरेन का एक जनरल था, उसने ये कहा था कि इंडिया में जो रिच पीपल हैं दे हैव मेनी रिसोर्सेस प्लस कैपिटल, उनके पास रिसोर्सेस भी हैं, कैपिटल भी है, और उस कारण से वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। लेकिन जो पुअर है, जो गरीब है, उनके पास ये चीज नहीं है, ठीक है, और वो क्या है, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। तो इस कारण से जो हमारी इकोनॉमी है वो इसीलिए अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाया है रिच और पुअर के बीच में। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रीजन इनइक्वालिटीज भी है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इससे बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रीजनल इनइक्वालिटीज। अब रीजनल इनइक्वालिटीज से आप क्या समझेंगे, असमानताएं आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये हो गई क्षेत्रीय असमानताएं, यानी कि जगह के हिसाब से असमानता है। सपोज दो लोग हैं, ठीक है, एक दोनों सेम पोस्ट पे काम करते हैं, सेम ओहदे पे काम करते हैं, लेकिन एक इंसान जो काम कर रहा है वो कहां पर कर रहा है, अर्बन एरिया में, और जो दूसरा है वो कहां पर काम कर रहा है, रूरल एरिया में। तो ऑब्वियसली जो अर्बन एरिया में काम कर रहा है, ठीक है, जो शहरी एरिया में काम कर रहा है वो क्या होगा, वो ज्यादा विकसित होगा, वो ज्यादा डेवलप्ड होगा इन कंपैरिजन टू दी जो रूरल एरिया में काम कर रहा है। तो इसीलिए रीजनल इनइक्वालिटीज आर आल्सो द मेन रीजन फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, एक अर्बन में रह रहा है और एक
रूरल में रह रहा है, तो ये क्या होगा, ही विल बी मोर डेवलप्ड, और ये क्या होगा, लेस डेवलप्ड, जबकि दोनों क्या है, सेम रैंक पे है। ठीक है, तो रीजनल इनइक्वालिटी भी एक कारण है हमारी इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए, यानी कि अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ आंकड़े भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, या मैं कहूं एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। इस बात को थोड़े आराम से समझना, एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, यानी कि कृषि का योगदान किस तरह से, कि हमारी जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, जीडीपी का जो बिग कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहां से आता है, एग्रीकल्चर से। हम ऐसे स्टैंड नहीं, हम एग्रीकल्चर के बेस पे स्टैंड है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहां पर रह रही है, विलेजेस में, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 68% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रह रही है एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, और कंट्री की जो टोटल जीडीपी का शेयर है, जीडीपी शेयर ऑफ कंट्री, पूरे देश का जो जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का, दैट इज 15.4%, अप्रॉक्स 16%। ठीक है, तो भारत की जीडीपी में 15.4% जो है वो शेयर कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर दे रहा है, और जो मैन फोर्स इसमें लगी हुई है, टोटल पॉपुलेशन की जो मैन फोर्स है, यानी कि लोग जो लगे हुए हैं वो कितने हैं, 44%, यानी कि 44% जनता जो है वो क्या काम कर रही है, एग्रीकल्चर का कर रही है, और 15.4% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है भारत की जीडीपी में। ठीक है, हाँ, इसमें मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा इंडस्ट्रीज का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं वो 23% जीडीपी में शेयर दे रही है। कितना, 23%, और इसमें 25.4% मैन पावर लगी हुई है। और 23% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर 15.4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और 44% मैन पावर लगी हुई है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग नियर अबाउट 61.5% अप्रॉक्स इन जीडीपी। 61.5% जो सर्विस सेक्टर है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं
वो टैक्सेस पे करके और 10 और चीजें करके 61.5% अप्रोक्स दे रहे हैं किसको, जीडीपी को। और इसमें जो मैन पावर लगी हुई है दैट इज 31%, 31%। इसको जोड़ लेते हैं मैन पावर को, 31%, 25.4%, 44%, 100%। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में है डाटास। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी जीडीपी को एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है और सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर? Now we come to the next point, is low quality of life, सोचने वाली बात है कि हमें कैसे पता लगा कि लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमें कैसे पता लगा? किसी ने आके तो बताया नहीं। एक्चुअल में कुछ इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कुछ इंडेक्सेस होते हैं, उन इंडेक्सेस के बिहेव बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह की है। ठीक है, आप स्विट्जरलैंड की देखें, आप डेनमार्क की देखें, आप नॉर्वे की देखें, उनकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारा लो क्वालिटी ऑफ लाइफ किन कारणों से आता है? कुछ इंडेक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ इंडेक्सेस होते हैं नेशनली इंटरनेशनली, उनके बिहाफ पर मैं कुछ का नाम आपको बताता हूं। जैसे ह्यूमन